सो गाइस, क्या आप भी बायजूस के अंदर बीडी की जॉब करना चाहते हो या फिर करंटली कर रहे हो? आप एक्सपीरियंस जानना चाहते हो कैसा होता है, या फिर जानना चाहते हो कि ये जो डिसीजन आप लेने वाले हो या फिर ले चुके हो ये सही है या नहीं है? जी हाँ, तो आज इस वीडियो में आप एंड तक बने रहिए। मैं इसी के बारे में आज बात करने वाला हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैंने 1 ईयर बायजूस में एज अ बीडी ज्वाइन किया है। तो बायजूस ट्यूशन सेंटर हो या नॉर्मल जो वर्क हो, वो सारा मैंने वर्क किया है। तो एक अच्छा एक्सपीरियंस आपको मैं आज बताने वाला हूँ, और पॉजिटिव नेगेटिव जितने भी पॉइंट्स रहने वाले हैं सारे वन ऑन वन मैं आपसे डिस्कस करूँगा, और ऑनेस्टली सारी चीज़ें बताऊँगा। जैसे हवा में कुछ नहीं फेंकने वाला, क्योंकि आप लोग शायद नए हो तो आपको नहीं पता होगा, नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना बाय द वे, बट जो लोग पुराने उनको पता है कि जो चीज़ मैं एक्सपीरियंस करता हूँ उन्हीं चीज़ों को मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ, ताकि वो अच्छे से मैं बता सकूँ आपको, ठीक है। एंड गाइस, इसी वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि मेरा कंक्लूजन क्या रहने वाला है, यानी मेरे अकॉर्डिंग आपको ज्वाइन करना चाहिए नहीं करना चाहिए, फिर किस पर्सन को ज्वाइन करना चाहिए किस पर्सन को नहीं करना चाहिए, अगर ज्वाइन करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए, क्या क्या प्लस पॉइंट होने वाला है, क्या क्या नेगेटिव पॉइंट होने वाला है, सारी की सारी चीज़ें आज वीडियो में बताने वाला हूँ। इस वीडियो में कोई वीडियो आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लिख के रहना, अगर पड़े तो कमेंट में जरूर बता देना कि जरूरत पड़ेगी, ठीक है, वैसे नहीं पड़ेगी। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। तो मैंने बायजूस ज्वाइन किया था सितंबर 2021 में, और लास्ट ईयर मैंने उसको छोड़ दिया, ठीक है, वो मेरे पर्सनल रीजन से, मैं आपको बताऊंगा वो भी वीडियो के एंड तक, ऐसा क्यों हुआ कि भाई इतना ही अच्छा है या पर नॉर्मल है तो क्यों छोड़ा, ठीक है। तो बात करते हो पॉजिटिव पॉइंट्स के बारे में, तो पॉजिटिव पॉइंट्स सबसे अच्छा क्या है, वो है सैलरी, बट शर्त ये है कि आप जो 7 लाख वाली सैलरी है 7 LPA वाली पर जा रहे हो, क्योंकि अभी मैंने सुना है, मुझे इतना आइडिया तो नहीं पता है, बट बहुत से लोग कह रहे हैं कि अभी जो न्यू हायरिंग हो रही है बायजूस के अंदर वो लगभग 5.5 लाख की LPA पे हो रही है, जो कहीं ना कहीं इतना अच्छा पैकेज नहीं है जितना इस तरीके से इसमें काम होता है, मतलब जितना वर्क लोड होता है उस हिसाब से एक ठीक ठाक सैलरी नहीं है, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली। तो मैं अपने बात करूँगा, जब मैंने किया था तो क्या सैलरी थी मेरी, उसके अकॉर्डिंग हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अगर आप 7 LPA के अकॉर्डिंग जाते हो, सबसे पहला पॉजिटिव पॉइंट तो यही है कि सैलरी बहुत अच्छी है, क्योंकि एज अ फ्रेशर भी बायजूस आपको लेता है, और एज अ फ्रेशर 50+ सैलरी मिलना बहुत एक बड़ी बात होती है मेरे ख्याल से, क्योंकि मेरे लिए तो थी, क्योंकि नॉर्मली इतना नहीं होता है स्टार्टिंग में। तो भाई सेकेंड पॉजिटिव पॉइंट ये है कि वहाँ पे ना बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा, एज अ फ्रेशर आप जाते हो तो उस प्रेशर को कैसे हैंडल करना है, ठीक है, और आपको वीकली टारगेट मिलता है, तो जिससे क्या है कि टारगेट वाली जो प्रैक्टिस है वो भी आपकी हो जाती है, क्योंकि नॉर्मली अदर कंपनीज में टारगेट होता है वो मंथली होता है, बट बायजूस में वीकली होता है, तो कहीं ना कहीं आप इतने एक्सट्रीम प्रेशर में रहोगे और कर लोगे तो कहीं ना कहीं फ्यूचर में किसी और जॉब में स्विच करोगे तो इतनी आसानी रहेगी कि उसको आप आसानी से डील कर पाओगे, ठीक है। थर्ड पॉजिटिव पॉइंट की बात करें, वहाँ पे बात होती है ग्रोथ के बारे में, कि ग्रोथ बहुत जल्दी मिलती है, और इसमें बीच में ना स्टेप्स नहीं होते, जैसे कि नॉर्मल कंपनीज में क्या होता है कि पहले आप एग्जीक्यूटिव बनोगे, फिर सीनियर एग्जीक्यूटिव, फिर TL, फिर सीनियर TL, फिर ASM, फिर डिप्टी मैनेजर, फिर मैनेजर, ये एक हायरार्की होती है, बट बायजूस में ये सब कुछ नहीं है, सिंपल आप BDA होते हो और इसके बाद में आपको मैनेजर की प्रोफाइल मिल जाती है। बहुत से बहुत क्या होता है कभी कभार सीनियर BDA बना देते हैं अगर आपकी जो परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी नहीं है तो, बट सीनियर BDA का मैनेजर का ही ऑप्शन होता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं गाइस नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में, कि भाई नेगेटिव सबसे जो नेगेटिव पॉइंट है वो इसकी टाइमिंग का है, क्योंकि इसमें कोई भी टाइमिंग नहीं होती, ठीक है, वैसे ऑफिशियली तो 10 to 8 बोलते हैं ये लोग, बट नहीं होती, क्योंकि मैंने काम किया, मैं आपको एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि स्टार्टिंग की बात करें तो 9:30 और 10 AM के आसपास आपको जो सेंटर मिला होगा वहाँ पहुँचना पड़ेगा, इधर आपको ऑफिस में रिपोर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद आप पूरे दिन जॉब करते हो, अपना कॉलिंग करते हो, उसके बाद इवनिंग में आपको एक सेशन निकालना पड़ता है, सेशन यानी कि मीटिंग अपने टारगेट को कम्प्लीट करने के लिए, जहाँ आप सेल कर सकते हो, प्रोस्पेक्ट बनाने के लिए वहाँ पर आप जाओगे, शाम को 6-7 बजे की होती है, और उसमें मिनिमम टू मिनिमम 9 से 10 कह रहा हूँ, 10 से 11 का टाइम हो जाता है, मतलब अप्रोक्सीमेटली 11-12 आपको नॉर्मली बजेगा ही बजेगा, 11 तो बजता है नॉर्मली, और किसी किसी दिन ये डिपेंड करता है इस मीटिंग्स के ऊपर, मीटिंग कभी लंबी चल जाती है तो 12-1 का टाइम भी हो जाता है। तो गाइज मेरा जो एरिया था वो था बुधविहार के अंदर, बुधविहार आपने सुना हो तो मेरे रोहिणी के आसपास, आप रोहिणी को जानते हो तो उसके आसपास ये बुधविहार पड़ता है, तो वहाँ पे मुझे आने जाने में यानी कि आने में 2 घंटे और जाने में 2 घंटे लग जाते थे, तो मेरा तो टाइम वैसे ही बहुत ज़्यादा होता था, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं एक्सट्रीम प्रेशर, दूसरा नेगेटिव पॉइंट ये है एक्सट्रीम प्रेशर, क्योंकि प्रेशर यहाँ पे बिल्कुल है, मतलब कोई भी ये सोच के बिल्कुल मत आना कि प्रेशर नहीं होगा, इजी होगा, ऐसा कुछ नहीं है, एक्सट्रीम प्रेशर मिलेगा, और मैं तो कह रहा हूँ कि आप फ्रेशर हो तो आपको ये एक्सपीरियंस करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आप कर लेंगे तो कहीं भी आप आसानी से कर सकते हो, ठीक है।
क्योंकि वहां पे गाइज मैं आपको बता दूं, कई बार ऐसा होता है जो आपके ऑफ होता है, जैसे कि पहले तो 2 दिन का ऑफ होता था, अभी 1 दिन का ऑफ होता है, तो ऑफ वाले दिन भी कभी कभी आपको मीटिंग निकालनी पड़ती है, जाना पड़ता है, और कह सकते हो कि आपकी छुट्टी भी कैंसिल हो जाती है कभी कभार, ठीक है। नॉर्मल छुट्टी लेना वो इतना पॉसिबल नहीं होता, और रात को 10-10 बजे 11-11 बजे आपकी कॉन कॉल होती है, बात होती है, मीटिंग आप करते हो लगातार, सेल नहीं होती है तो बहुत कुछ आपको सुनने को मिलता है। बिल्कुल, उसके बाद बात करते गाइस उनका एनवायरनमेंट, भाई जूस का बहुत ही टॉक्सिक है। टॉक्सिक इन द सेंस मैं गाली वाली नहीं कह रहा, बहुत ही मतलब कह सकते हैं ना टाइट एनवायरनमेंट है, कहना मतलब कि ये करना पड़ेगा, 1 मिनट भी आप खाली नहीं बैठ सकते, 10 मिनट भी खाली नहीं बैठ सकते, आपको लगातार कुछ ना कुछ करते रहना, कॉलिंग करते रहना, हर घंटे एक रिपोर्ट आती है, हर रिपोर्ट में आपको दिखना चाहिए भाई इतनी कॉल डायल, इतने टॉक टाइम हो गया, ठीक है। अगर उसमें आपकी कॉल नहीं दिखती है तो आपको जब भी जवाब देना पड़ता है क्यों हो रहा है, क्या रीज़न है। फिर उसके बाद आपके पास काफ़ी सारे मैनेजर्स आपको अलाइन होते हैं आपके लिए, एक तो आपका टोटल, तो आपका प्रॉपर मैनेजर होगा BDM या CSM सेंट्रल सेल्स मैनेजर, उसके बाद एक परफॉर्मेंस मैनेजर भी होता है, और उसके बाद बात करें तो आपके जो सीनियर मैनेजर होते हैं वो भी आपके साथ इन्वॉल्व रहते हैं इन एक्टिविटीज़ में। तो कहीं ना कहीं टॉक्सिक है गाइस एनवायरनमेंट, बिल्कुल टॉक्सिक है। टॉक्सिक मतलब मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, गाली वाली से नहीं है, मतलब एक्सट्रीम काम करने से है। तो गाइस अगली नेगेटिव पॉइंट की बात करते हैं, तो यहाँ पे आपके पास ना कोई भी टाइम नहीं बचेगा अपनी फैमिली को देने के लिए, बिल्कुल नहीं बचेगा। आप सिर्फ घर पे अगर आपका होगा वहाँ पे, तो आपके एरिया में, तो वहाँ सिर्फ आप सोने के लिए जाओगे, सिर्फ सुबह से लेकर रात तक वहाँ 11-12 बजे काम करोगे, रात को जाओगे 12-1 बजे पहुँचोगे, खाना खाओगे, बात भी नहीं कर पाओगे, इतने थक जाते हो, सो जाओगे, फिर सुबह नाश्ता भी बड़ी मुश्किल से आप कर पाओगे, और उसके बाद फिर आपको अपने लोकेशन पे आ जाना है। तो ये रहती है प्रॉपर दिनचर्या, प्रॉपर डेली रूटीन, ठीक है। यहाँ पे आप अपनी पर्सनल हॉबीज़ को बिल्कुल टाइम नहीं दे पाओगे, 100% पर्सनल हॉबी छोड़ो, इस मैं कह रहा हूँ अपनी फैमिली को भी टाइम नहीं दे पाओगे, इतना प्रेशर होता है, इतना टाइम लिमिट होती है, ठीक है। अब बात करते हैं कि भाई मैंने क्यों छोड़ा, मेरा क्या रीज़न था छोड़ने का। तो कहने के देखो मेरा रीज़न 2 ही 3 थे। पहला रीज़न तो यही था गाइस की टाइमिंग, क्योंकि मैंने आपको जैसा आपको बताया गया मेरे लोकेशन से जो मेरा एरिया था जहाँ पे मैं वर्क कर रहा था वो था 2 घंटे दूर, यानी कि रोहिणी बहुत दूर था, यहाँ से 63 में नोएडा में रहता हूँ मैं, तो 2 घंटे आने में 2 घंटे जाने में, तो मतलब कहने के मतलब मैं 10 बजे भी वहाँ से निकल रहा हूँ जो कंपनी के अकॉर्डिंग काफ़ी ठीक ठाक टाइम है, तो भी मैं लगभग 12 बजे तक पहुँचता था, और किसी ट्रैफिक मिल गया तो 12, 12:30, 1 बजे तक, 2 बजे तक भी पहुँचा कई बार मैं। तो कहीं ना कहीं ना फिर वही चीज़ थी कि देखो भाई मैं टाइम नहीं दे पा रहा था फैमिली को। तो भाई जब मैंने ज्वाइन किया था उस टाइम पे वीक ऑफ होता था 2 दिन का, मंडे ट्यूसडे या ट्यूसडे वेडनेसडे जो भी था, बट अभी क्या है वो 1 दिन का कर दिया। तो कहीं ना कहीं ये क्या है कि मैं इतना ड्राइव करता हूँ, जाता हूँ आता हूँ, तो कहीं ना कहीं ना वो थकान निकल नहीं पाती 1 दिन के अंदर, तो मैं अपने प्रॉपर फुल एनर्जी से काम कर ही नहीं पा रहा था, ठीक है। सेकंड रीज़न ये था। तो गाइस कंक्लूजन की बात करते हैं कि ये जॉब किसके लिए सही है, किसके लिए सही नहीं है। गाइस देखो सीधी सी बात है, अगर आप फ्रेशर हो, सिंगल हो, यानी कि अनमैरिड हो, बेसिकली सिंगल तो आजकल बहुत कम लोग मिलते हैं, अनमैरिड हो, तो आपके लिए कहने की जॉब ये सही हो सकती है, क्योंकि स्टार्टिंग में आप हसल कर सकते हो, बाद में प्रॉब्लम हो जाती है। बट मैं एक मैरिड पर्सन हूँ तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कोई भी मैरिड पर्सन में जाए, तो क्योंकि उसमें बहुत दिक्कत हो जाती है फिर, क्योंकि फैमिली में बहुत सारे इश्यूज होने लगते हैं, जब अपनी वाइफ को अपने घर पे टाइम नहीं दोगे तो वहाँ पे भी इश्यू स्टार्ट होना हो जाता है, तो प्रॉब्लम ये आ जाती है। तो रिकमेंड ये करूँगा कोई फ्रेशर है, अनमेरिड है, तो वो ज़रूर जाएँ, अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा, सैलरी भी अच्छी है, और मेरे ख्याल से जो मेरिड पर्सन उनके लिए ज़्यादा अच्छी है जॉब नहीं है, क्योंकि आप अपने पर्सनल फैमिली को टाइम नहीं दे पाओगे बिल्कुल भी, हॉबीज़ को नहीं दे पाओगे, बहुत सारे फंक्शंस वगैरह होते हैं वहाँ भी बड़ी मुश्किल से आपको छुट्टी लेनी पड़ती है, बहुत सारी चीज़ें हैं। और गाइस देखो अगर फ्रेशर की तरह आप ज्वाइन करो तो बहुत सारे इसमें प्लस पॉइंट भी हैं कि ये आपको इंश्योरेंस भी देते हैं बहुत अच्छा, जो कंपनी हर कोई देती है, बट ये फैमिली का भी इसमें आप इंक्लूड करा सकते हो, बाकी HR का भी सपोर्ट काफ़ी अच्छा रहता है, ठीक है, और सैलरी भी अच्छी है, काफ़ी अच्छा पॉइंट ऑफ ओवरऑल काफ़ी अच्छा है एज अ फ्रेशर अगर कोई ज्वाइन करता है। तो मेरे ख्याल से अगर आप फ्रेशर हैं और आपने ज्वाइन कर लिया तो छोड़ने का मत सोचना, एटलीस्ट 1 ईयर तो आप करो, और अगर आप सोच रहे हो कि ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए तो एज अ फ्रेशर आपको ज्वाइन करना चाहिए बिल्कुल।